हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई सिटी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन सिटी चैनल वाईफाई सिटी पे। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जहां पे हम लोग कवर करते हैं इंडिया के लीडिंग करंट अफेयर, इंडिया के लीडिंग न्यूज पेपर में से, जिसमें हम लोग द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जनसत्ता, PIB, PRS सभी में से दोस्तों न्यूज है जो कि कलेक्ट करते हैं। और सुबह 5 बजे से 8 बजे के बीच में कॉन्टेंट बनता है और आप लोगों को अवेलेबल करवाया जाता है 8 से 9 के बीच में। और उम्मीद करता हूँ कि 40 से 45 मिनट की क्लास आप रेगुलर देखते होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज है 6th of January, ठीक है, आज है 6th of January। तो आज के हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो कि हम लोग कवर करेंगे। ये सारे के सारे न्यूज़पेपर है गाइस, जिनमें से ये एग्जाम है, जो कि अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये सेशन रेगुलर देखना चाहिए। आपको बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर मैं सबसे पहले हम लोग करेंगे प्रीवियस डे के क्वेश्चन, कोट ऑफ द डे, सारे के सारे न्यूज़पेपर, उसके बाद में आज का फन फैक्ट और आज के कुछ सवाल है जो कि हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, कल का क्वेश्चन मैंने पूछा था IHU के बारे में दोस्तों। तो IHU के बारे में बात करें तो ये कौन से कंट्री में डिस्कवर किया गया है, तो इसको फ्रांस में डिस्कवर है जो कि रिसेंटली किया गया है। वर्ल्ड ब्रेल डे की बात करें तो ये 4th of January को मनाया जाता है। और पहली भारतीय इंडियन ओरिजिन वुमेन जिन्होंने ट्रैक सोलो किया साउथ पोल की तरफ, उनका नाम है हरप्रीत। तो ये 3 सवाल है जो कि हमने कल देखे थे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको आवाज वाज जो है वो परफेक्टली आ रहा होगा। और ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए, गुरुकुल बैच के बारे में बात करें, अगर आप SSC, रेलवे या कोई भी, अगर आप PCS तक का भी कोई अगर एग्जाम दे रहे हैं तो दोस्तों शुरुआत हो चुकी है। कल पहली क्लास थी, कल कुछ भी क्लास में हुआ नहीं, कल हमने सिर्फ ये देखा था कि कहां से क्या क्या हमें पढ़ना है। तो रीजनिंग, मैथ, स्टैटिक जीके और साइंस का बैच कल से स्टार्ट हो चुका है और बाकी सारे एजुकेटर्स की भी आपको क्लासेस मिलेगी। आपको रेफरल कोड लगाना है अनअकैडमी के ऊपर BHU10, आपको 10% ऑफ और जो भी लेटेस्ट ऑफर्स है वो सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। 400 घंटे से भी ज्यादा की क्लासेस होगी और इस बैच की शुरुआत कल से ही हुई है, तो आज ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो। आपको प्लस कोर्सेज के अंदर और आइकॉनिक के अंदर बहुत सारे बेनिफिट है जो कि आपको मिलते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप ये रेफरल कोड 40 प्लस एग्जाम में काम में ले सकते हैं, जैसे कि UPSC, PCS, डिफेंस, बैंकिंग, SSC। आपको ऐप डाउनलोड करनी है, मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे गोल सेलेक्ट करना है। आपका गोल हो सकता है UPSC हो, PCS हो, 40 प्लस एग्जाम में से जो भी आपका एग्जाम का गोल है उस पे जाइए, प्लस पे जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पे 12 या 24 मंथ, और आप यहाँ पे BHU10 है जो कि आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा smileforallsociety.org के वेबसाइट पे जाके एक हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन लेके आप एक बच्चे को 500 रुपये पर मंथ में स्पॉन्सरशिप करके उसको स्कूल भी भेज सकते हैं पिज्ज़ा की कॉस्ट के ऊपर, ओके। आप चाहे तो वॉलंटियर का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ताकि आप अपने शहर के अंदर भी ऐसे बच्चों की मदद है जो कि कर सकें। आज का कोट ऑफ द डे है दोस्तों, बी पेशेंट, द बेस्ट थिंग्स हैपन अनएक्सपेक्टेडली। तो बहुत ज़बरदस्त बात है जो कि यहाँ पे बोली गई है। देखो, आपको पेशेंस जो है वो रखना पड़ता है। जो लाइफ में बेस्ट थिंग्स, जो चीज़ें होती है ना हमारे जीवन के अंदर, वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होती है। मतलब हमें खुद को भी नहीं पता होता कब कैसी चीजें जो है वो बदल जाती है, और ये बदलती दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से है। जब आपको बहुत अच्छा वक्त चल रहा होता है, बहुत अच्छा कुछ चल रहा होता है, तभी भी चीजें खराब भी हो सकती है। जब बहुत खराब चल रहा होता है, आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा होता, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही होती है, तब भी चीजें जो है वो अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से जो है चीजें बदल जाती है। बस आपको जो ध्यान रखना होता है वो ये कि आपको हार्डवर्क करते रहना है स्मार्ट तरीके से, साथ में दोस्तों आपको पेशेंस है जो कि अपनी लाइफ में रखना है, ठीक है। जब तक पेशेंस नहीं रखोगे तब तक कुछ भी अपनी लाइफ में नहीं हो पाएगा। कॉलेज में कोई, जब मेरा बहुत ही ख़राब टाइम चल रहा था, जब कॉलेज के टाइम पे बहुत सारे बैक, बहुत सारे एग्जाम जो है वो फेल होते जा रहे थे, बैकलॉग्स होती जा रही थी इंजीनियरिंग के टाइम पे, तब भी मतलब कोई मुझसे पूछा करता था कि क्या करोगे, तो मुझे नहीं पता था मैं क्या करूँगा, लेकिन ये जरूर पता था कि कुछ अच्छा करूँगा। तो मैं हमेशा यही बोला करता था कि पता नहीं यार, लेकिन कुछ ना कुछ बड़ा और कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे, और मुझे ये नहीं पता होता था कि मैं करूँगा क्या मतलब लाइफ के अंदर, ओके। लेकिन बस एक ही चीज़ थी, वो था पेशेंस और हार्डवर्क, ये दो चीज़ें थी जो कि लगता था कि ये अपने पास में है, ओके। बाकी किस्मत का पता नहीं, जो भी होगा, जब होगा, जैसे होगा, तो वो चीज़ें लाइफ में धीरे धीरे अपने आप रिवॉल्व होती 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 चीज़ें बेहतर हो जाती है, ठीक है। तो हमेशा भरोसा रखें ऊपर वाले के ऊपर और खुद के ऊपर, चीज़ें बहुत अच्छी होगी। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, जो कि चलते हैं द हिंदू के फ्रंट पेज पे। सबसे पहले दोस्तों, कल की जो सबसे बड़ी न्यूज़, और देश में 1 लाख वीडियो है जो कि बन चुके हैं, जो कि सिक्योरिटी लैब्स को लेकर मोदी जी की, जो कि पंजाब के अंदर, इस मुद्दे के बारे में बात करेंगे, क्या क्या हुआ पूरा का पूरा देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे दीपिका बोल रही है, सर CGL में 6 मंथ का करंट अफेयर आएगा। दीपिका, CGL के अंदर 1 साल का करंट अफेयर आएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि 8 लाख रुपए जो EWS की इनकम की जो लिमिट रखी है, ये बेस्ट है जो हमारे द्वारा करी गई है।
श्रीलंका ने दोस्तों 13 इंडियन तमिलनाडु के फिशरमैन इंडियन फिशरमैन को छोड़ दिया। यहाँ पे ऐप के केस आपको मालूम है ना, बहुत सारे बुली बाई ऐप है और बहुत सारे ऐसे ऐप है जिसके अंदर कई सारी महिलाओं के फोटोज को बेचा जा रहा था, है ना। तो उसके अंदर कई अरेस्ट है जो कि किए गए, उसके अंदर एक और यूथ को पकड़ा गया है। और यहाँ पे सिविल सर्विसेज का मेंस का एग्जाम जो शेड्यूल है दोस्तों वो यहाँ पे कंटिन्यू करवाया जा रहा है, क्योंकि अभी कोविड में बहुत केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन एग्जाम कंटिन्यू हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों चिल्का लेक के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में देखेंगे, और यहाँ पे जो है टेम्परेचर काफी लो गया है नॉर्थ इंडिया में, उसके बारे में बताया गया। तो ये आपका पूरा फ्रंट पेज है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले ये वाली न्यूज आप देख सकते हैं। मोदी जी दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी कल क्या थे कि फिरोजपुर के अंदर एक सभा को संबोधित करने जा रहे थे, रैली है जो कि वहां पे हो रही थी, और रैली को जो है मोदी जी के द्वारा कैंसिल कर दिया गया वेनेसडे को, क्योंकि कई सारे लोगों ने क्या हुआ, जो उनका काफिला था ना उसके आगे ट्रैक्टर और बाकी सारी चीजें लगा के उसको ब्लॉक कर दिया। ओके, ब्लॉक करने वाले कौन थे, फार्मर्स थे जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे। 15 से 20 मिनट दोस्तों ये जो काफिला है ये कहाँ पे रहा, ये इसी ब्रिज के ऊपर फ्लाई ओवर जो है यहीं पर ही ऊपर की तरफ जो है ये खड़ा रहा। उसके बाद में फाइनली जब ये चीजें रिजॉल्व नहीं हो पाई तो वापस से इस काफिले को मुड़ना पड़ा। मोदी जी जो है वो नेशनल मार्टियर मेमोरियल है हुसैन वाला, वहां पे जा रहे थे। उसके बाद में एक रैली हो रही थी बीजेपी की पंजाब के फिरोजपुर में, वहां पे संबोधित करने जा रहे थे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने दोस्तों इसको एक मेजर लैप्स है जो कि सिक्योरिटी के अंदर बताया पीएम मोदी के। ओके, और डिटेल रिपोर्ट है जो कि स्टेट गवर्नमेंट से मांगी है और बोला है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करिए कि किसकी वजह से जो है ये वहां पर जाम लगा, लैप्स हुआ, और स्ट्रिक्ट एक्शन है जो कि लेने के लिए बोला है। ठीक है गाइस, ये पूरा का पूरा मुद्दा है जो कि हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फिरोजपुर का जो इवेंट था मोदी जी का वो कैंसिल कर दिया, फार्मर प्रोटेस्ट ने प्रिवेंट कर दिया उनका ट्रैवल बाय रोड। एक्चुअली के अंदर हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे लेकिन हेलीकॉप्टर के टेम्परेचर मतलब बहुत ही वेदर जो है वो सही नहीं था, तो उसके बाद जैसे इन्होंने रोड पे जाना जो है वो सुटेबल समझा, रोड की तरफ से गए। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे के ऊपर चार्जेस है जो कि इसके ऊपर लगा रखी है, पॉलिटिक्स जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो हुआ ये कि 11:30 बजे प्रधानमंत्री बठिंडा हवाई अड्डे पे पहुंचे, वहां के वित्त मंत्री मनप्रीत जी ने उनका स्वागत किया। खराब मौसम के कारण बठिंडा में आधा घंटे रुकना पड़ा पहले तो, और उसके बाद हेलीकॉप्टर से नहीं जाने के बजाय उन्होंने सड़क से जाने का फैसला किया। ओके, और फिरोजपुर पहले तो हवाई अड्डे से फिरोजपुर के हुसैनवाला की तरफ रवाना हुए जो कि 120 किलोमीटर की दूरी पर है, और जब ये फ्लाईओवर के ऊपर पहुंचा दोस्तों तो वहां पे शहीद स्मारक से मात्र 30 किलोमीटर ही दूर थे और कुछ प्रदर्शनकारी वहां पे बैठे हुए थे, काफिले को रास्ता में आगे उन्होंने नहीं बढ़ने दिया। 20 मिनट तक वेट किया गया खुले गए उसके बाद में, लेकिन मार्ग खुला नहीं तो उसके बाद में उनको वापस से मुड़ना पड़ा और वापस से वहां पे दिल्ली रवाना हो गए। तो ये पूरा का पूरा इवेंट है जो कि यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है गाइज, तो काफी इश्यूज है जो कि कल इसको रहा। चलिए आगे बात करते हैं जो कि है पेज नंबर फर्स्ट के ऊपर ही, जो कि चिल्का लेक को लेकर है। तो चिल्का लेक आपको मालूम है दोस्तों देश की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। ओके, जहां पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स है जो कि देखने को मिलते हैं। तो 1,00,000 बर्ड है जो कि अभी चिल्का लेक के अंदर आ गए हैं, 106 जवान है जो कि यहाँ पे डिप्लॉय करे गए हैं बर्ड की काउंटिंग के लिए। ओके, और मंगोलियन ओरिजिन से कई सारे मतलब मिलियंस ऑफ बर्ड जो कि यहाँ पे आते हैं। तो वाटर बर्ड स्टेटस सर्वे 2022 से जो कि कंडक्ट करवाया जा रहा है, जिसके अंदर 107 स्पीशीज और 37,000 इंडिविजुअल और 1,000,000 वाटर बर्ड है जो कि यहाँ पे देखे जाएंगे और यहाँ पे काउंटिंग करी जाएगी। लास्ट ईयर जो है वो 12,00,000 बर्ड है जो कि देखने को मिले थे। तो इनका भी सेंसस है जो कि करवाया जाता है कि यहाँ पे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं और कितने लोग, कितने बर्ड आए हैं, है ना, ताकि लगून की जो है ना ये पूरी एनवायरमेंट के बारे में हम लोग पता कर सके। तो इसका प्रॉपर सेंसस है जो कि करवाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक है नालाबाना बर्ड सेंचुरी, बहुत ही फेमस है, ये पेपर में पूछते भी है कि सेंचुरी कहाँ पर है, तो उड़ीसा के अंदर ही है। तो यहाँ पे दोस्तों नंबर जो है थोड़ा बहुत डिक्रीमेंट भी जो है कुछ टाइम पे देखने को मिला था। अब देखिए अगर मैं बात करूँ तो ये है लोकेशन उड़ीसा के अंदर चिल्का लेक की, पहली बात तो ये। दूसरी बात, एशिया की लार्जेस्ट और वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट लगून है जो कि मानी जाती है, है ना। ईस्ट कोस्ट पे है इंडिया के, उड़ीसा के अंदर बे ऑफ बंगाल और स्मॉल स्ट्रिप ऑफ आइल सैंड से ये अलग करती है, उसी को तो लगून कहते हैं। पूरी कुर्दा गंजम डिस्ट्रिक्ट है उस पूरे एरिया के अंदर ये आपको देखने को मिलती है। विंटर के टाइम पे लार्जेस्ट ग्राउंड है जो कि माइग्रेटरी बर्ड के लिए इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। क्या होता है कि जब मंगोलिया और ऊपर वाला जो एरिया है ना वहां पे बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, तो वहां से ये इस वाले एरिया के अंदर है जो कि आते हैं ठंड वाले टाइम पे। ये डेजिग्नेटेड है दोस्तों 1981 में इसको रामसर कन्वेंशन के तौर पे फर्स्ट इंडियन वेटलैंड है जिसको डेजिग्नेट किया गया। ओके, यहाँ पे चिल्का के आसपास रेड वेट डॉल्फिन्स भी देखने को मिलती है। इसके अलावा नालाबाना आइलैंड
जो मैंने आपको बताया, एक बर्ड सेंचुरी भी है वो भी यहाँ पे देखने को मिलती है। कालीजाई टेम्पल दोस्तों बहुत ही फेमस है यहाँ पे, वो चिल्का लेक के ऊपर ही देखने को मिलता है। ठीक है, भितरकनिका नेशनल पार्क और चिल्का लेक, यहाँ पे काफी सारे माइग्रेटरी बर्ड आपको सर्दियों में आते हैं और फेब और मार्च के टाइम पे वापस से चले जाते हैं, है ना। तो ये 2-3 महीने का टाइम पीरियड होता है। मार्च के टाइम पे टेम्परेचर बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, तो उस टाइम पे वापस से जाना है जो कि स्टार्ट कर देते हैं। हर साल विंटर के टाइम पे दोस्तों ये यहाँ पे आते हैं एशिया के लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लगून के अंदर। ठीक है गाइस, सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है भितरकनिका, सुंदरबन वाला सबसे बड़ा है, इस एरिया में काफी देखने को मिलते हैं। ये सारे कहां से आते हैं? सर्बिया, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, हिमालयन रीजन, सेंट्रल यूरोप से आते हैं। और जब जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जैसे वाटर लेवल कम होने लगता है, तो ये वापस से जाना वहां पे चालू कर देते हैं वापस से। ठीक है, तो इंडिया में दोस्तों माइग्रेटरी स्पीशीज जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, है ना। फैल्कॉन है, बार रीडेड गीज है, ब्लैक नेक्ड क्रेन्स है, है ना, बहुत सारे ये सब जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सेंट्रल एशिया फ्लाईवे बोलते हैं, सेंट्रल एशिया वाले एरिया से ये हमारी तरफ आते हैं। इनके कंजर्वेशन के लिए हमने एक नेशनल एक्शन प्लान भी बना रखा है ना, और कन्वेंशन और माइग्रेटरी स्पीशीज के इंडिया भी एक पार्टी है जो कि हम इनको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको पता चल गया होगा चिल्का लेक और माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में। आगे बात करते हैं पेज नंबर 8। यहां पे दोस्तों बात करी गई है किसको लेकर? गुजरात हाई कोर्ट को लेकर। देखिए हुआ क्या है दोस्तों, अभी कोर्ट के अंदर क्या हुआ कि एक डिवीजन बेंच है गुजरात हाई कोर्ट की, उन्होंने एक जर्नलिस्ट के ऊपर जो है ना एक कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का प्रोसीजर है जो कि वो फेस कर रहा था, तो उसको सिर्फ इंग्लिश में बोलने के लिए बोला गया है। देखो हुआ क्या कि एक आदमी आया कोर्ट के अंदर और उसने गुजराती में बोलना चालू किया। जो हाईकोर्ट के जज है उन्होंने बोला कि भैया गुजराती नहीं चलेगी, हाईकोर्ट की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश में नहीं बोल सकते हो तो आपके साथ में एक आपका वकील रखिए जो कि इंग्लिश में बोल सके, जो कि चीजों को ट्रांसलेट कर सके, समझ गए। तो ये लॉ है जो कि आपको मालूम है हमारे आर्टिकल 348 के अंदर है। आर्टिकल 348 में ये बताया गया है कि जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लॉ लैंग्वेज है वो क्या है दोस्तों? इंग्लिश है, समझ गए मेरी बात, ये वाली बात है। तो इसी के बारे में यहां पे दोस्तों पूरी बातचीत है जो कि करी गई है। ओके चलिए, 2014 में इस आदमी के खिलाफ जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग है जो कि स्टार्ट करी थी, एक जर्नलिस्ट है। ओके, तो ये खुद ही आया कोर्ट के अंदर गुजराती लैंग्वेज में बोलने लगा। वहां के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने बोला कि भैया हमें समझ में नहीं आती हाई कोर्ट के, तो भैया आप तो इंग्लिश जो है वो बोलो क्योंकि कोर्ट की लैंग्वेज है वो इंग्लिश है ना। और ये भी बोला कि अगर आप खुद नहीं बोल सकते तो इंटरप्रेटर लेके आओ, कोई लॉयर लेके आओ जो कि आपकी लैंग्वेज को कन्वर्ट करके बोले। ओके, इसके अलावा यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये सारे, अगर कोई ऐसा पर्सन होता है जो कि वकील भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो फिर आपको मालूम है सरकार उनको वकील है जो कि अवेलेबल करवाती है। आप आर्ग्यू और स्पीक दोनों इंग्लिश में ही है जो कि आपको कोर्ट के अंदर करना पड़ता है। तो हमारे जो दोस्तों पार्ट जो है कौन सा 17वां, उसके अंदर हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात करी गई, आर्टिकल 343 से 351। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, आपके पेपर में सवाल बनते हैं। मैं आपको बोलता हूं ना कि जब हम लोग करंट अफेयर करते हैं ना तो आपके सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं। आप देखिए यहां पे पॉलिटी के बारे में बात स्टार्ट हो गई है। आर्टिकल 343 के 1 में यह बोला गया है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है होगी यूनियन गवर्नमेंट की वो हिंदी होगी देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर। ये हमारी बात करी गई है यूनियन के बारे में, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में, समझ गए। आर्टिकल 351 में यह भी बोला है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है ना वो कोशिश करेगी कि डेवलपमेंट करने का हिंदी लैंग्वेज को। ओके, इसके अलावा आर्टिकल 348 में यह भी बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश के अंदर वहां पे काम होगा। ओके, अगर कोई पार्लियामेंट लॉ लाके कोई चेंज नहीं कर दे तो। हिंदी दोस्तों हमारे 22 लैंग्वेजेस में है जो कि शेड्यूल लैंग्वेजेस में इंक्लूड करी जाती है। शेड्यूल लैंग्वेजेस जो है हमारी, उसमें से हिंदी भी एक हमारी लैंग्वेज है। कई लोग बोलते हैं दोस्तों कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, तो मैं पहले भी आपको कई बार बोल चुका हूं हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। हमारे देश की 43% जनता जो है वो दोस्तों हिंदी बोलती है। और ये भी बोला गया है आर्टिकल 351 में कि यूनियन गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि हिंदी को क्या कर सके, डेवलपमेंट कर सके, ताकि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट के अंदर लोग एक भाषा में बात करने में मदद मिल सके। लेकिन इसमें डेवलपमेंट, नेचुरल डेवलपमेंट की बात करी गई है, आप फोर्सफुली जो है वो नहीं कर सकते हैं, समझ गए, नेचुरल डेवलपमेंट की बात करी गई है। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने दोस्तों हिंदी को अडॉप्ट किया था देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर और इंग्लिश को भी अडॉप्ट किया था एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
की ऑफिशियल लैंग्वेज जिसके अंदर काम होते हैं। तो आर्टिकल 343 के अंदर ये हुआ था दोस्तों, ठीक है गाइस। बैकग्राउंड बताता हूं मैं आपको थोड़ा। देखिए शुरुआत में जब देश आजाद हुआ था ना, तब हमारे जो प्रधानमंत्री बने थे नेहरू जी, उन्होंने कोशिश ही करी थी कि भाई हिंदी को है ना हमारे देश की पूरी तरीके से एक सिंगल लैंग्वेज बना दी जाए, नेशनल लैंग्वेज के तौर पे हिंदी को प्रमोट किया जाए, नॉन हिंदी स्पीकिंग कंट्री स्टेट के अंदर भी जो है वो हिंदी को इम्पोज जो कि किया जाए। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, बहुत ज्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ सदर्न स्टेट के अंदर, ओके। और उसके बाद में प्रधानमंत्री नेहरू जी को क्या मजबूरी में क्या लेके आना पड़ा, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट लेके आना पड़ा 1963 के अंदर, जिसमें ये अश्योरेंस दी गई कि भैया हम लोग इंग्लिश को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे हिंदी के साथ में, ताकि साउथ इंडियन के लोग भी जो है वो कोऑर्डिनेट कर सके। वहां पे इंग्लिश लोगों को आती है, हिंदी नहीं आती है, तो हिंदी को स्टार्टिंग में पूरे देश की लैंग्वेज बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट है जो कि हुआ, एंटी हिंदी प्रोटेस्ट 1965 में भी हुआ, ओके, जिसकी वजह से ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी आई और हिंदी के साथ में इंग्लिश को भी इसमें एड ऑन है जो कि कर दिया गया। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1967 में अमेंडमेंट भी हुआ है ना, और बायलिंगुअलिज्म के बारे में बात करी गई, बोला गया कि भाई भारत जो है वो बहुत ही लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो हमारे पूरे देश की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं हो सकती, तो हर राज्य को ये फ्री होना चाहिए डिसाइड करने के लिए कि उसकी खुद की लैंग्वेज है जो कि क्या है, समझ गए मेरी बात। तो उस मुद्दे के बाद में दोस्तों हिंदी और इंग्लिश को जो है वो एड ऑन है जो कि कर दिया गया, समझ गए मेरी बात। तो इस तरीके से पूरे देश में ये काम है जो कि चला, ठीक है। यहां पे रानी बोल रही है कि सर कॉपी पेस्ट करो, इतना तेज समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो गया यार समझ नहीं आ रहा क्या इतनी तेज यार, देखो अच्छा थोड़ा स्लो पढ़ाना है क्या, ओके। अभिषेक सीएचएसएल में भी एक साल का करंट, देखो एसएससी के जितने भी एग्जाम है उसमें आपको एक साल का करंट अफेयर पढ़ के जाना है, रेलवे के एग्जाम के लिए भी एक साल, बैंक के एग्जाम के लिए 4 महीने, पीसीएस के लिए 1 साल और यूपीएससी के लिए 2 साल, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 के बारे में बात करें तो यहां पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग बात करेंगे क्रेन के बारे में, क्रेन एनर्जी के बारे में, इसके अलावा यहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है, और हाँ डीआरआई के बारे में, दोनों इंपॉर्टेंट न्यूज है। चलो यहां पे आप देख सकते हैं बलबीर बोल रहा है कि प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन होता है, मुझे मालूम है लेकिन वही बात है यार, मतलब वैसे पता है आप लोगों के पास एक ऑप्शन होता है कि स्पीड को आप कम भी कर सकते हो ज्यादा भी कर सकते हो, तो मेरी क्या स्पीड है वो मैटर नहीं करती वैसे, और मेरी जो नॉर्मल स्पीड है वो थोड़ी फास्ट ही है, क्योंकि मैं ज्यादा जब थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूँ तो ज्यादा एनर्जी के साथ पढ़ाता हूँ और ज्यादा अच्छे से पढ़ाता हूँ, ये धीरे धीरे जो है वो ऐसा फील होता है कि नींद आ रही है धीरे धीरे पढ़ाने से, यहाँ ठीक है चल रहा है तो यार एनर्जी का लेवल जो है वो बहुत ही डाउन रहता है जब धीरे धीरे पढ़ाते हैं। मुस्कान बोल रही है सर सारी बातें छोड़ दो, ये बताओ कि सुबह का सपना सच होता है क्या, बिकॉज मैं मनाली गई थी। मुस्कान देखो बात ऐसी है कि सुबह का सपना हो या रात का सपना हो, सपना ही होता है ना, तो वो सच जो है वो नहीं होता है, सच आपको सपने बनाने पड़ते हैं काम करके मेहनत करके, आज नहीं तो कल वो सच हो जाएंगे। आपने सपना भी देखा वो भी मनाली का सपना, तो कोई लंदन वंडन न्यूयॉर्क का देखते इतना छोटा सपना मनाली जाने के अंदर क्या यार, मतलब ट्रेन पकड़ो पहुंच जाओ, चंडीगढ़ तक तो ट्रेन जाती है, उसके बाद बस पकड़ो 500 रुपये किराया लगेगा मनाली पहुंच जाओगे। ठीक है चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं जो कि डीआरआई दोस्तों हमारा एक डिपार्टमेंट है, उसने शॉमी के ऊपर है ना 650 करोड़ का फाइन है जो कि लगाया है दोस्तों, ठीक है गाइस। तो कई सारी कस्टम ड्यूटी है जो कि इसने इन्वेड करी है, इसके वजह से ये फाइन है जो कि लगाया है। तो गवर्नमेंट ने वेनेसडे को बोला है कि भैया 3 शोकेस नोटिस है जो कि जारी करे हैं चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनी शॉमी को, रिकवरी करने के लिए बोला है 650 करोड़ रुपये ड्यूटी जो कि 3 साल के अंदर दोस्तों लगाई गई है 17 से 20 के बीच में। शॉमी ने दोस्तों जब द हिंदू ने इनसे इंक्वायरी करी तो उसका कोई जवाब है जो कि नहीं दिया, तो ये गवर्नमेंट को इंटेलिजेंस के इनपुट मिले थे कि कई सारी कस्टम ड्यूटी जो है ना ये दोस्तों क्या कर रहे हैं अपनी अंडर वैल्यूएशन दिखा के बचा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो 100 रुपये का सामान आप चाइना से इंडिया लेके आए तो आपको उसके हिसाब से कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी,
समझ गए। अगर आप 1,000 रुपये का लेके आओगे, जैसे मान लो 100 रुपये का 5% कितना हुआ, 5 रुपये देना पड़ा आपको। 1,000 रुपये का अगर 5% होगा तो कितना हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा। तो इन्होंने अपनी जो प्रोडक्ट की जो वैल्यू है ना उसको कम दिखा के कस्टम ड्यूटी को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। ये जानकारी सरकार को मिली और जब 3 साल का दोस्तों पूरा निकाला गया तो कुल मिला के जो निकला तो 650 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा है जो कि निकला। तो हमारे यहाँ पे जो DRI डिपार्टमेंट है इसको बोलते हैं डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, समझ गए मेरी बात, ठीक है। ये डिपार्टमेंट है तो इसके द्वारा दोस्तों ये जांच पड़ताल है जो कि करी गई। तो इसके अंदर रॉयल्टी, लाइसेंस फी जो कि शॉमी इंडिया के द्वारा पे करी गई क्वालकॉम यूएसए को, बीजिंग की कंपनी को, सॉफ्टवेयर कंपनी को, है ना, तो वो भी इसके अंदर एड ऑन नहीं करी गई। तो काफी सारे फर्जीवाड़ा इसके अंदर पता लगे। हमारे डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के बारे में बात करें तो 1957 में इसकी शुरुआत हुई। ये दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आलोक तिवारी है जो कि इसके हेड है और ये CBIC के अंडर में काम करता है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम है ना, जिसको पहले हम लोग सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम कहा करते थे, है ना, उसी के अंदर में DRI है जो कि आता है, ठीक है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि बैटरी अगर किसी ने मंगवाई, बैटरी चार्जर, तो बैटरी चार्जर भी अगर आप मंगवाओगे ना तो 15-20% दोस्तों कस्टम ड्यूटी है जो कि हमारे यहाँ पे लगती है। अगर आपने मान लीजिए कोई मोबाइल फोन है जो कि मंगवाया चाइना से इंडिया में, तो उसके ऊपर 22% के आसपास कस्टम ड्यूटी है जो कि लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने कोई डिस्प्ले मंगवाया, सर्किट बोर्ड मंगवाया, है ना, कोई पार्ट मंगवाया तो 10% आसपास। अब एक बार सोचिए, अगर आपने 10,000 रुपये का कोई हैंडसेट मंगवाया तो उस पर 22.5% चार्ज लगेगा, तो कितना ज़्यादा टैक्स है जो कि हो गया। एक आपने 10,000 रुपये को बता दिया 1,000 रुपये और उसके बाद 22.5% आपने लिया, तो कितना ज़्यादा फर्क है जो कि आ गया है, समझ गया मेरी बात। तो इस तरीके से दोस्तों क्या है कि काफ़ी ज़्यादा फर्जीवाड़ा है जो कि यहाँ पे किया गया, ठीक है गाइस, ओके। और नॉर्मली GST के बारे में बात करें तो 18% के आसपास GST भी जो है वो लगता है। चलिए आगे बात करते हैं। शॉमी दोस्तों बहुत ही बड़ी कंपनी है, मतलब इन्होंने लास्ट टाइम पे तो एप्पल को दोस्तों जो है वो पीछे छोड़ के दुनिया का 17% मार्केट है ना वर्ल्ड का वो ले लिया था। सबसे यंगेस्ट कंपनी मानी जाती है मतलब शॉमी, जिसने क्या किया, फॉर्चून की टॉप 500 कंपनीज के अंदर है, ओके। आप देखिए 2010 में ये कंपनी बनी है, लियान ज्वेन करके CEO है इसके और 5-6, 40 साल के ये आदमी थे जिन्होंने इस कंपनी की शुरुआत करी थी, ओके। और रेडमी भी इसी का ही आता है, ठीक है, रेडमी और शॉमी दोनों एक ही कंपनी है। चलो, बहुत ही खतरनाक रेवेन्यू किया, बहुत ही खतरनाक। चलो आगे बात करते हैं क्रेन को लेकर। तो ब्रिटेन की दोस्तों एक क्रेन एनर्जी कंपनी है, उसने सारे के सारे चार्जेस इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर ड्रॉप कर दिए हैं जो पहले लगाए गए थे दोस्तों, है ना, कई सारे भारतीय गवर्नमेंट के जो सामान है ना उसको जब्त करने को लेकर US, फ्रांस, सिंगापुर इसके अंदर। तो एक्चुअली के अंदर क्या था कि नियर बाय 8,000 करोड़ रुपए है जो कि हम लोग दोस्तों इस कंपनी को दे रहे हैं, है ना। पहले हमने क्या लिए थे, 8,000 करोड़ रुपए का इनके ऊपर फाइन है जो कि लगाया था गवर्नमेंट ने। पहले क्या किया था, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स है जो कि इनके ऊपर लगाया था, याद है आपको, है ना। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये होता है, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये होता है जब मान लीजिए आज से लॉ है जो कि लगा है, आज के तारीख है मान लो 6 जनवरी से कोई लॉ है जो कि बना है, तो जब लॉ बनता है ना उससे आगे वाली चीजों के ऊपर या आज से जो है वो लागू होता है। आप ऐसा नहीं है कि मतलब 21 दिसंबर की किसी चीज के ऊपर जो है लॉ को पीछे जाके उसको इंप्लीमेंट करोगे, ऐसा नहीं होता कभी भी। तो हमने जो टैक्सेस लगाए थे हमारी भारतीय गवर्नमेंट ने, तो वो क्या था कि पीछे जाके टैक्सेस लगाए थे क्रेन के ऊपर और 8,000 करोड़ रुपए का जो है वो पैसा हमने ले लिया था। क्रेन ने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में केस किया, वो जीत गया और हमें क्या 7,900 करोड़ रुपए जो है वो टैक्स के रिफंड है जो कि करने हैं। तो उन्होंने बोल दिया कि भैया भारतीय सामान को जब्त कर लो, ठीक है। फिर बात वो आ गई, तो फिर हमने बोला कि जब्त मत करो, हम आपको दे देंगे। 7 साल पहले का ये डिस्प्यूट है ना बैक टेस्ट को लेकर, उस टाइम पे आज इसको कंपनी को कैप्रिकॉन एनर्जी है जो कि कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्रिकेट की दोस्तों। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है इंडिया साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच है जो कि पहुंच चुका है। हमें 8 विकेट चाहिए और इनको कोई 100-125 रन है जो कि बनाना है। सबसे खतरनाक चीज है दोस्तों जो कि बांग्लादेश के साथ में हुई, वर्ल्ड चैंपियन टेस्ट की वर्ल्ड चैंपियनशिप आपको मालूम है ना न्यूजीलैंड के पास में है। तो दोस्तों न्यूजीलैंड में जाके न्यूजीलैंड को पहला टेस्ट मैच है जो कि बांग्लादेश ने हरा दिया, मतलब बांग्लादेश ने हरा दिया, सोचिए, मतलब सबसे बड़ी विक्ट्री है जो कि आज तक इनके करियर के अंदर ये मानी गई है। पहली बार न्यूजीलैंड में बांग्लादेश है जो कि जीती है, सोचिए। चलिए आगे बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस को लेकर दोस्तों। तो इंडियन एक्सप्रेस में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट पेज पे यही बात करी गई है,
ठीक है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों एक्शन प्लान को लेकर। तो चीता को दोस्तों, चीता भी पीता है, याद है आपको? तो आपको मालूम है ना 1950 के बाद से हमारे देश में दोस्तों चीता जो है वो गायब हो गए थे। बहुत सारे पॉन्चिंग हंटिंग करी गई थी, इनका जो हैबिटेट है वो गायब हो गया था। चीता को क्या लंबी जगह चाहिए होती है, लॉन्ग ग्रासलैंड, बहुत तेज भागता है ना चीता। अब यार चीता को अगर आप 2-4 किलोमीटर दोगे चीता भागेगा इतने में, पार कर जाएगा, रोड पार कर जाएगा, शहर में आ जाएगा, फिर आप लोग पीछे पड़ जाओगे चीता के। तो चीता को सर्वाइव करने के लिए एक लॉन्ग हैबिटेट चाहिए होता है, बहुत लॉन्ग एरिया चाहिए होता है। हमारे देश में दोस्तों बचा ही नहीं, हमारा देश तो बहुत बड़ा है लेकिन हमारे पास ऐसे ग्रासलैंड नहीं थे प्रोटेक्शन के, और हंटिंग भी बहुत हो रही थी। तो 1950 के बाद से हमने जो है हमारे देश में चीता देखे नहीं, गायब हो गए हमारे यहाँ से, एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अभी कुछ टाइम पहले मीटिंग करी और बोला कि चीता को हम लोग वापस लेके आएंगे, ठीक है। और एक एक्शन प्लान है जो कि लॉन्च किया, वर्ल्ड की फास्टेस्ट कैट है जो कि मानी जाती है। ओके गाइस, देश के आजाद होने के बाद में यहाँ पे गायब हो गए। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, साथ में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ओके, इनके साथ में मिलकर हम लोग 8 से 12 चीता है जो कि लेके आ रहे हैं। कहाँ कहाँ से? साउथ अफ्रीका से, नामीबिया से, बोस्तवाना से, वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन यहीं पर पाई जाती है। और कहाँ पर रखने वाले हैं हम इसको? कूनो के अंदर रखने वाले हैं। कूनो पलपुर नेशनल पार्क है आपके मध्य प्रदेश में, वहां पर रखने वाले हैं, ठीक है गाइस। 2010 में 10 साइट है जो कि आइडेंटिफाई करी गई थी, 2021 आते आते 11 साल लग गए इसको पता करते करते, ठीक है। तो 800 किलोमीटर स्क्वायर का कूनो पलपुर नेशनल पार्क है, तो वो सुटेबल है जो कि इनके लिए बताया गया है। चलिए आगे बात करें, चलिए आगे बात करते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दोस्तों एक बहुत ही हिस्टोरिक जो है ना सिक्योरिटी अलायंस है जो कि किया है। आपको मालूम है दोस्तों पहले तो क्या बना? क्वाड बना, ठीक है, जिसमें इंडिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। फिर इन्होंने क्या किया, क्वाड में से हमें निकाल दिया और यहाँ पे ऑकस बना दिया, याद है ना, ऑस्ट्रेलिया आ गया इसमें, इसमें यूके आ गया, इसमें यूएसए आ गया, ओके, इस तरीके से। अब इन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भी दोस्तों एक और हिस्टोरिक सिक्योरिटी अलायंस है जो कि किया है। दोनों देश मिलकर एक दूसरे को सिक्योरिटी के अंदर हेल्प करेंगे। एक तरफ तो स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, और जापान के क्या नाम है उनको, किशिदा, किशिदा है जो कि जापान के प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है गाइस। तो इन दोनों के बीच में ये पैक्ट है जो कि हुआ है डिफेंस को लेकर, ओके। बहुत ज्यादा डिटेल तो यहाँ पे नहीं है, आपको मालूम है कुछ टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया ने ऑकस ट्रायलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट किया था, जिसमें यहाँ पे जो ये था ना यूके और यूएसए ने बोला था कि हम आपको क्या कर देंगे, सबमरीन है जो कि बनाकर देंगे, ओके। चाइना का दिमाग खराब हो गया था, उसने सीरियसली रीजनल पीस और सिक्योरिटी की स्टेबिलिटी को लेकर बोला था, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। कजाकिस्तान ने दोस्तों इमरजेंसी है जो कि डिक्लेयर कर दी है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। प्रोटेस्ट होने का कारण क्या रहा दोस्तों, अभी जो रिसेंटली हुआ है, देखो वैसे तो क्या यहाँ पे काफ़ी टाइम से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है। लेकिन रिसेंटली जो हुआ है ना वो हुए फ्यूल प्राइसेस को लेकर। फ्यूल प्राइसेस दोस्तों यहाँ पे अभी रिसेंटली बढ़ा दिए गए थे, उसके बाद में लार्ज प्रोटेस्ट है जो कि होने लगा। 100 ऑफ प्रोटेस्ट है दोस्तों मेयर के ऑफिस में घुस गए, समझ गए, और उन्होंने क्या किया, तोड़फोड़ मचा दी, आग लगा दी, ओके, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो कि देखने को मिली। तो इसके वजह से दोस्तों यहाँ पे क्या कर दिया गया, कजाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है, ओके, टोकावेव, उन्होंने 2 वीक की इमरजेंसी है जो कि घोषित कर दी सेंट्रल एशिया के सबसे बड़े कंट्री के अंदर। अल्मेटी करके यहाँ पे एक सिटी है, वेस्टर्न एक और प्रोविंस है, वहां पे ये लगा दिया गया है। और रात को यहाँ पे 11 से 7 के बीच में ऑलरेडी कर्फ्यू था मूवमेंट को लेकर, कोविड को लेकर, मास गैदरिंग को लेकर, है ना। और काफी सारे मिलिट्री ऑफिसेज और गवर्नमेंट के ऑफिसेज जो है वो अटैक के ऊपर जो है वो जनता के द्वारा कर दिए गए। तो उसके बाद में टीयर गैस हो गई, ग्रेनेड हो गए, ये सब भी जो है ना यहाँ पे यूज करे गए प्रोटेस्टर्स के खिलाफ। तो और ज्यादा लोग जो है यहाँ पे क्या हो गए, गुस्सा हो गए, ठीक है गाइस। यहां तक कि जो प्रेसिडेंट का जो रेसिडेंस है ना, मेयर का जो ऑफिस है, वहां तक जो है लोग घुस गए थे, उन्होंने आग बाग लगा दी, डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है जो कि यहाँ पे देखने को मिली। कजाकिस्तान की बात करोगे तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ा एशियन कंट्रीज है, इसके बाजू में आपको तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब है जो कि आपको देखने को मिलेंगे, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं नूर सुल्तान है जो कि इसकी राजधानी है, अल्मेटी इसकी सबसे बड़ी सिटी है जहाँ पे अभी यहाँ पे कर्फ्यू लगाया गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज इमरजेंसी लगाई गई है, काजक यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ पे 100 से भी ज्यादा दोस्तों एथनिक ग्रुप है जो कि आपको देखने को मिलते हैं, है ना, ये देखिए कितने सारे एथनिक ग्रुप्स हैं। इसके अलावा 72% इस्लाम रिलीजन है यहाँ पे, क्रिश्चियनिटी 23% है,
उसके अलावा प्रेसिडेंट यहाँ पे जो मर्थ करके है, जो कि प्रेसिडेंट है अलीहान, यहाँ पे अभी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। 1991 के अंदर यूएसएसआर से इनको इंडिपेंडेंस है जो कि मिली थी, और 1995 में करंट कॉन्स्टिट्यूशन इनका बना है। पॉपुलेशन जो है वो 2 करोड़ के आसपास की है। जीडीपी पर कैपिटा दोस्तों बहुत ज़्यादा ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छी है, मतलब यार $9,500 पर पर्सन पर ईयर है, और गिनी कोफिशियंट लेकिन काफ़ी लो है। एसडीआई के अंदर काफ़ी हाई है, मतलब काफ़ी अच्छी बात है, एसडीआई में बहुत बढ़िया है। और टेंज करके दोस्तों उसकी करेंसी है जो कि देखने को मिलती है, गिनी कोफिशियंट में भी काफ़ी लो है, यानी कि काफ़ी अच्छी बात है इक्वालिटी को लेकर। ये जनसत्ता की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो 20 मिनट अटका रहा काफिला, ओके। और ठीक है, राजस्थान के अंदर दोस्तों देश में पहली मौत ओमिक्रॉन से राजस्थान के अंदर जो है 70 साल के बुजुर्ग की जो है वो देखने को मिली। चलिए आगे बात करते हैं, जो कि एयरटेल पेमेंट बैंक दोस्तों शेड्यूल्ड बैंक है जो कि बन चुका है, ओके गाइस। सेकेंड शेड्यूल जो है आरबीआई का, उसके अंदर इसको इंक्लूड कर दिया गया है। अब क्या कर सकता है कि एयरटेल पेमेंट बैंक भी क्या कर सकता है कि रिक्वेस्ट कर सकता है गवर्नमेंट से प्राइमरी ऑक्शन को लेकर, जो भी गवर्नमेंट के जो बिजनेसेस होते हैं उसके अंदर भी पार्टिसिपेट है जो कि कर सकता है। तो ये काफी फायदा है जो कि मिला है। देखो पेमेंट बैंक जो है वो बहुत ही छोटे बैंक होते हैं, समझ गए, लेकिन जब वो शेड्यूल बैंक में बन जाए तो इसका मतलब काफी अच्छा परफॉर्म है जो कि वो कर रहा है, और काफी अच्छी स्थिति के अंदर है जो कि ये बैंक आ चुका है, समझ गए। तो एयरटेल पेमेंट बैंक जो है वो इंडिया का पहला पेमेंट बैंक था जो कि दिल्ली में इसकी हेडक्वार्टर है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है ना, भारतीय एयरटेल की एक सब्सिडरी है, और सेकंड शेड्यूल के अंदर इसको एड ऑन कर दिया गया। ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 2017 के अंदर ही दोस्तों इस बैंक की शुरुआत है जो कि करी गई थी। इसके जो सीईओ हैं अभी उनका नाम है अनुव्रत, उनका नाम है अनुभ्राता विश्वास करके हैं जो कि एमडी और सीईओ है। रेवेन्यू जो है 600-700 करोड़ के कर रहे हैं, 80% स्टेक जो है वो भारतीय एयरटेल के पास में, और 10% के आसपास कोटेक के पास में इस बैंक के देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो शेड्यूल्ड बैंक जो है वो इंडिया में दोस्तों वो बैंक होते हैं जो कि सेकेंड शेड्यूल में आरबीआई के होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं कि जिनको जो शेड्यूल्ड बैंक नहीं होते उनको हम लोग नॉन शेड्यूल्ड बैंक बोलते हैं। कोई भी शेड्यूल्ड बैंक दोस्तों दो टाइप ऑफ प्रिंसिपल फैसिलिटीज इंजॉय करता है, एक तो कोई भी लोन लेना हो उसको तो बैंक रेट के ऊपर आरबीआई से वो ले सकता है, ओके, और क्लियरिंग हाउसेस की मेंबरशिप भी जो है उसको ऑटोमेटिकली मिल जाती है, ठीक है गाइस, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ओके। चलिए आगे बात करते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो आरबीआई के द्वारा दोस्तों रिसेंटली जो है वो रिलीज करी गई है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दोस्तों देश के बैंकों की स्थिति के बारे में बताता है, हेल्थ ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बताता है, सिस्टमेटिक रिस्क सर्वे के बारे में बताता है। यहाँ पे 5 डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर के ऊपर दोस्तों ये जानकारी देता है कि आपके देश की बैंकों की हालात क्या है, जैसे कि ग्लोबल जो है उसके ऊपर बात करता है, ग्लोबल सिस्टम के ऊपर, फाइनेंशियल, माइक्रो इकोनॉमिक, इंस्टीट्यूशनल, जनरल, इन सबको मिलाकर जो है बैंकों के, आपके जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना देश के, उसकी हेल्थ की पूरी जानकारी है जो कि कौन अवेलेबल करवाता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है जो कि करवाता है, समझ गए मेरी बात। तो आपसे पेपर में पूछेंगे सवाल कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, पहला सवाल, कितने पैरामीटर पे होते हैं, दूसरा सवाल, 5 डिफरेंट पैरामीटर पे, ये क्या जानकारी देता है, क्या असिस करता है, तो ये आपके हेल्थ ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम को पता करता है। कितनी बार पब्लिश करी जाती है, तो 2 बार दोस्तों इसको पब्लिश है जो कि आरबीआई के द्वारा किया जाता है साल में, समझ गए मेरी बात। तो ये सारे के सारे पेपर में सवाल है जो कि बनते हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर देना गाइस, अगर आपने शेयर नहीं किया तो व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक, नॉन बैंकिंग लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, सबके बारे में बताता है। ये क्रेडिट ग्रोथ के बारे में, कितना बोरोइंग है उसके बारे में, आपके दोस्तों नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है उनके बारे में, समझ गए मेरी बात, कितना वल्नरेबल है, कितनी मुश्किल है, कितना आपका स्ट्रांग है सिस्टम, उसके बारे में सारी जानकारी देता है। इस बार जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट ही है। आजकल क्या हो गया है, देखो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो देखो हमारे बैंक की हालत की अगर मैं बात करूं या हमारे फाइनेंशियल सिस्टम की, तो बहुत ही लचर हालत के अंदर है। वैसे ही ऑलरेडी एनपीए जो है बहुत ज्यादा है। उसके बाद में बैंकों ने दोस्तों अपनी रिपोर्ट को क्लियर करने के लिए एक तरीका निकाल लिया है कि राइट ऑफ कर दो लोन को, जो पैसा आपको लगता है ना कि यार वापस नहीं आ सकता, तो अपने एनपीए को कम रखने के लिए उसको राइट ऑफ करने का तरीका है जो कि निकाल लिया है। हालांकि तरीका बहुत ही डेंजरस है, लेकिन हाँ आपकी रिपोर्ट कार्ड बहुत ही नीट एंड क्लीन नजर आती है, आपको बहुत ज्यादा मुश्किल में आप नजर नहीं आते, उसका तरीका निकाल लिया है। लेकिन ये वही वाली बात है, फाउंडेशन इससे काफी वीक हो जाएगी हमारे बैंकिंग सिस्टम भी, और 1-2 सालों के अंदर बहुत ज्यादा बैंकिंग जो है हालात बहुत ज्यादा खराब होने वाले हैं बैंकों के, ठीक है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो सितंबर 2022 तक और बढ़ने वाले हैं,
कमर्शियल बैंक के नियर बाय 7% के आसपास बताए गए हैं, और स्ट्रेस टेस्ट जो है अभी कंडक्ट किया गया ना उसमें बताया गया कि 8.1 तक जो है ये पहुंच जाएंगे, और सवियर स्ट्रेस की कंडीशन में 9.5% तक। जो पब्लिक सेक्टर बैंक है ये देखिए, इनके भी हालात बहुत ही ज़्यादा खराब है जो कि बताए गए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कंडीशन है जो कि खराब है। चलिए आगे बात करते हैं, रशिया वर्सेज नाटो। दोस्तों यूक्रेन के अंदर क्या हो गया है, रशिया वर्सेज नाटो है जो कि हो चुका है। रशिया ने आपको मालूम है 10,000 सैनिक है जो कि अपने लगा दिए हैं। नाटो बोल रहा है कि यार यूक्रेन जब हमारे साथ में मेंबरशिप लेना चाहता है तो आप अपनी सेना हटाओ वहां से। तो ये दोनों आपस में दोस्तों काफी गुत्थम गुत्था है जो कि हो गए। 1,00,000 10,000 नहीं है, रशिया ने 1,00,000 अपने ट्रूप है जो कि बॉर्डर पे लगा दिए हैं, ओके यूक्रेन के। ठीक है, रशिया ने ये बोला है कि नाटो की जो भी सेना है यूरोप के अंदर उसको वापस से जो है वो लेना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं, जैसे कि बाल्टिक कंट्री जो रशिया के बॉर्डर से टच होते हैं, लेटविया, एस्टोनिया, लिथुएनिया, इसके अलावा बाल्कन कंट्रीज, इन सबसे नाटो को अपनी सेना हटानी चाहिए। रशिया का ये बोलना है कि नाटो को जो है अपने प्लान को ड्रॉप कर देना चाहिए, जिससे वो और यूक्रेन, जॉर्जिया, इन सारे कंट्री को अपने मेंबर बना रहा है, और जो भी ड्रिल होती है ईस्टर्न यूरोप के अंदर उसको भी बंद कर देना चाहिए। ये सारी डिमांड रशिया ने नाटो से करी है अपनी सेना को हटाने के लिए। बहुत ही अनरियलिस्टिक डिमांड है, मतलब यार ये क्या बात हुई। मतलब सारे की सारी यूएस नाटो ने दोस्तों ये बात बोली कि यार ये कोई बात हुई क्या, ये प्रपोजल बहुत ही अनरियलिस्टिक है। सारे देशों को उनका अधिकार है कि वो किसको, कौन सी फोर्सेस को या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं। सबके पास तो प्रिंसिपल है सोवरेनिटी का, और इंसिस्ट किया है यूक्रेन को, हर एक कंट्री को ईस्टर्न यूरोप के, कि भाई अपने फॉरेन पॉलिसी को देखो, डिटरमाइन करो, और बाहर के इंटरफेरेंस को बंद करो। कौन किसको ज्वाइन करना चाहता है ये उनका खुद का राइट है, समझ गए मेरी बात। लेकिन दोस्तों रशिया मानने को तैयार नहीं है, और रशिया ने अपनी सेना वहां पे बहुत ही मुस्तैदी से लगा दी है। तो ये एक बहुत बड़ी अजीबोगरीब कंडीशन है जो कि हो चुकी है यूक्रेन वाले देश में। आगे बात करें नाटो की दोस्तों, तो नाटो वॉशिंगटन ट्रीटी से दोस्तों बनाया गया। एक जमाने में क्या यूएसएसआर बहुत ही बड़ा कंट्री था, मतलब पूरी दुनिया का 30% तो कंट्रीज जो है वो एरिया इसी के अंडर में आ गया था। तो अमेरिका को क्या करना था, टैकल करना था यूएसएसआर को, इसलिए इसने क्या किया, एक नाटो अलायंस बनाया। यूएस मतलब नॉर्थ अमेरिका और यूरोप दोनों का मिलकर क्या करेंगे, यूएसएसआर का मुकाबला करेंगे, इसलिए इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस बनाया। ये बोला गया कि कोई भी अगर नाटो कंट्री पर हमला करेगा तो ये हमला पूरे देशों के ऊपर माना जाएगा। नाटो ने दोस्तों जब अमेरिका के ऊपर हमला हुआ है ना, जब आपको मालूम है ना 9/11 हुआ था, तो उसको एक तरीके से अमेरिका के ऊपर हमला माना था, और नाटो ने क्या किया फिर अफगानिस्तान के खिलाफ है जो कि वॉर छेड़ दी, क्योंकि नाटो के एक कंट्री के ऊपर हमले का मतलब है पूरे देशों के ऊपर हमला। 49 में इसको साइन किया गया, ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है गाइज, चलिए कंपोजिशन की बात करें तो स्टार्टिंग में 12 कंट्रीज थे, आज 30 तक पहुंच चुके हैं। लेटेस्ट नॉर्थ मैसेडोनिया है, तो धीरे धीरे इसका एक्सपेंशन है जो कि होता आ रहा है। तो इसीलिए दोस्तों रशिया जो है वो चिंतित है, हम भी चाहते हैं कि इसके अंदर एड ऑन हो जाए, लेकिन अभी तक हमारे पास इसकी मेंबरशिप नहीं है, और इसकी मेंबरशिप यूरोपियन कंट्रीज के पास में है। यूरोपियन कंट्री चाहे तो इसको एड ऑन कर सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन के बारे में बात करते हैं, तो ब्राजील के अंदर दोस्तों बहुत ही खतरनाक लेवल पर डिफॉरेस्टेशन है जो कि हो रहा है। 2015 के बाद में मैक्सिमम हाईएस्ट लेवल के ऊपर देखने को मिला है। साइंटिस्ट ने अलार्म भी जो है यहाँ पे जारी किया गया, वर्ल्ड के मोस्ट स्पीशियस रिच सवाना वाले एरिया के अंदर काफी डिफॉरेस्टेशन है जो कि हो रहा है। ओके, अमेजॉन जो है वो 15 साल के हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो है वो पहुंच चुका है, जहां पे डिफॉरेस्टेशन देखने को मिल रहा है। यहां पे एक एरिया है दोस्तों जिसको सिराडो कहते हैं, इस एरिया में बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन है जो कि हो रहा है। वन ऑफ द लार्जेस्ट सवाना यहीं पे देखने को मिलते हैं, जिसको अपसाइड डाउन फॉरेस्ट भी कहते हैं। बहुत ज्यादा रूट है जो कि प्लांट की, फॉरेस्ट की यहाँ पे डीप रूटेड देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे आग लग रही है, ड्रॉट आ रहे हैं, है ना, कार्बन सिंक जो है बहुत ही मेजर कंसर्न है क्लाइमेट चेंज को लेकर। ओके, गवर्नमेंट की पॉलिसीज यहाँ पे बहुत ही खराब रही है, उन्होंने एंकरेज किया है मतलब डिफॉरेस्टेशन को, है ना, यहाँ पे इन्वायरमेंटल एनफोर्समेंट को रोल बैक कर दिए प्लांट्स को। तो यहाँ पे साइंटिफिक कम्युनिटी ने सीधे सीधे गवर्नमेंट को ब्लेम किया है इस कारण की वजह से। तो यहाँ पे 8% से भी ज्यादा डिफॉरेस्टेशन है जो कि रिसेंटली देखने को मिला है। ठीक है, अगर आप देखोगे दोस्तों तो दुनिया का एक तरीके से लंग्स है जो कि माने जाते हैं। अगर मैं अमेजॉन फॉरेस्ट के बारे में बात करें, अगर ये दोस्तों नुकसान पहुंचेगा ना यहाँ पे, तो पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचेगा। आपको मालूम है डिफरेंट डिफरेंट नाम से ग्रासलैंड को पूरी दुनिया में बोला जाता है, जैसे कि टेम्परेट वाले हैं, अर्जेंटीना में पैम्पस है, अमेरिका में प्रेरियार है, साउथ अफ्रीका में वेल्ड बोलते हैं, एशिया में स्टेपी बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन बोलते हैं। इसी प्रकार से ये तो हो गए आपके ये टेम्परेट वाले,
है ना, ये टेम्परेट वाले हैं। और अगर मैं ट्रॉपिकल वालों के बारे में बात करूं तो देखिए, ईस्ट अफ्रीका वाला सवाना है, ब्राजील वाला कैंपस है, और वेनेजुएला वाला लैनोज है। ओके, तो इस तरीके से पूरी दुनिया में अलग अलग नाम से ग्रासलैंड को जाना जाता है, जो कि पेपर में डायरेक्टली सवाल पूछते हैं, बताइए डाउन ग्रासलैंड किस कौन से देश में है, कैटबरी कैंटरबरी कहां पर है, सवाना कहां पर है, टाइगा कहां पर है, पैंपस कहां पर है, ये सब पेपर में आता है। ज्योग्राफी का दोस्तों बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये, देखिए पैंपस ये सवाना भी है, अफ्रीका का एरिया भी है सवाना थोड़ा बहुत, ये वेल्ड है। ओके ठीक है, तो टेम्परेट पे ट्रॉपिकल के ऊपर है, इस तरीके से देखा जाता है, समझ गए, टेम्परेट वाले ये है, ट्रॉपिकल वाले वो है। चलिए आगे बात करते हैं भारत के डैम्स की रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों रिसेंटली कैग ने जो है वो रिपोर्ट सबमिट करी है, जिसमें बोला है कि गांधी सागर जो डैम है ना, जो चंबल रिवर के ऊपर है, उसकी हालत बहुत ही खराब है और इसको इमीडिएट रिपेयर करने की जरूरत है। एक्चुअली के अंदर हमारे यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों ने डैम तो बहुत सारे बना दिए हमारे देश में दोस्तों, दुनिया के ठीक है बहुत बड़े बड़े डैम है जो कि आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम उसका रिपेयर नहीं कर पा रहे। एब्सेंस ऑफ रेगुलर चेक, नॉन फंक्शनल इंस्ट्रूमेंट्स, और चोक्ड हो चुके हैं ये, जिसकी वजह से काफी बड़ी प्रॉब्लम है जो कि यहां पे देखने को मिल रही है। समझ गए मेरी बात, काफी बड़ी प्रॉब्लम है जो कि यहां पे देखने को मिल रही है। चलिए अब यहां पे देखिए तो गांधी सागर डैम जो है वन ऑफ द फाइव मेजर वाटर रिजर्वायर है, जो कि हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस का माना जाता है। उसको 1960 में बनाया गया था ड्रिंकिंग वाटर राजस्थान के कई सारे डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल करवाने के लिए, और 115 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी यहां पे अवेलेबल है, जो कि करवाई गई है। ठीक है गाइज, अब यहां पे अगर आप देखोगे ठीक है, तो यहां पे रिसेंटली काफी टाइम से दोस्तों फ्लड की प्रॉब्लम आ रही है। ओके, यहां पे पानी का स्टोरेज नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम का सामना है जो कि यहां पे करना पड़ रहा है। अगर अब यहां पे देखिए, इंडिया जो है वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट रैंक है, अगर मैं डैम बिल्ड के बारे में बात करूं तो हमारे यहां पे 5200 से ज्यादा डैम बने हुए हैं, लेकिन 1100 के आसपास डैम जो है वो ऑलरेडी 50 साल से पुराने हो चुके हैं, और कई सारे तो दोस्तों 120 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। 2050 तक ये डैम जो है 1100 से बढ़ के 4400 तक पहुंच जाएंगे, जो कि 50 साल से ज्यादा हो जाएंगे। 80% जो देश के डैम है वो आज के टाइम पे बहुत ही पुराने हो चुके हैं और उनको रिपेयर करने की जरूरत है। बहुत ही मीडियम और जो माइनर डैम है ना, वो भी बहुत ज्यादा डेंजरस वाली कंडीशन में हो चुके हैं। जैसे कि कृष्णा सागर डैम के बारे में बात करें, 1931 में इसको बनाया गया था, 90 साल से भी पुराने हो चुका है। मेथू डैम के बारे में बात करें, 34 में बनाया गया था। ओके, और आजकल यहाँ पे कावेरी रिवर बेसिन में वाटर स्केसिटी की, तो क्या होता है जब डैम दोस्तों पुराने हो जाते हैं ना, तो उसमें ऊपर काफी सारे चांसेस होते हैं उनके नुकसान पहुंचने के, है ना, आप उनको रोक भी नहीं पाते, उनके क्रैक होने के चांसेस, फ्लड आने के, उनकी हाइट भी इतनी ज्यादा ऊपर नहीं है, तो पानी ज्यादा हो जाता है तब भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम है जो कि देखने को मिलती है। ठीक है गाइस, तो चंबल जो है वो आपको मालूम है दोस्तों, ठीक है, चंबल पूरा रीजन राजस्थान मध्य प्रदेश वाला एरिया है जो कि माना जाता है। ओके, और चंबल वैली प्रोजेक्ट जो है, चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट बहुत ही फेमस है, और जिसके अंदर आपके कई सारे प्रोजेक्ट है जो कि बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए इसको लेकर अगर मैं बात करूं तो कई सारे इनिशिएटिव भी लॉन्च करे गए, जैसे कि डैम सेफ्टी बिल है 2019 के अंदर राज्यसभा के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया, डैम रिहैबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया, लेकिन इतना अच्छा इसका अभी तक जो है इसका इनिशिएटिव जो है वो ग्राउंड के ऊपर देखने को नहीं मिला, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है जो कि हो रही है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आवाज आवाज आ रही है परफेक्टली? आवाज आ रही है परफेक्टली? एक बार वीडियो को शेयर कर देना गाइज अगर आपने शेयर नहीं किया है तो, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। चलो आगे बात करते हैं, जो कि है महाराजा बीर विक्रम एयरपोर्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है गाइज, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेरे को यहां पे नजर आता है वो ये कि डैम्स ऑन चंबल रिवर। ठीक है, चंबल रिवर के ऊपर अगर आप डैम के बारे में पूछोगे तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको ज्योग्राफी का पता होना चाहिए। देखो हमने यहां पे बात करी गांधी सागर की, चंबल नदी जो है इसके ऊपर और भी कई सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि गांधी सागर हो गया ना एक, तो उसके बाद आपका राणा प्रताप है, राणा प्रताप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद में आपका जवाहर सागर है, फिर आपका कोटा बैराज भी आता है, तो ये चार बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है जो कि चंबल नदी के ऊपर बनाए गए हैं। ठीक है गाइस,
चंबल नदी की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? जनापाव से। जनापाव कहां पर है? ये एमपी के अंदर है, विंध्य माउंटेन रेंज के अंदर। नियर बाय कोई 1000 किलोमीटर की रिवर है, ओके, और बाद में जाके चंबल यमुना में मिल जाती है, ठीक है। तो इसके जो मेजर स्टेट है वो आपके राजस्थान हो गया, एक एमपी हो गया और एक आपका यूपी हो गया। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी है, जैसे कि आपने एक बहुत ही फेमस ट्रिब्यूटरी के बारे में सुना होगा, बनास नदी है, है ना। पर्वती भी है, काली सिंध भी है, शिप्रा भी है, ये सब भी वैसे इसी की ही ट्रिब्यूटरी है जो कि मानी जाती है। और ये चार प्रोजेक्ट इसके ऊपर बहुत ही फेमस है, गांधी सागर, राणा प्रताप, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये चार बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये बातें ध्यान रखिएगा, पेपर में सवाल बनता है। अभी लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था आपके, राजस्थान के एक स्टेट का एग्जाम था, उसके अंदर ये सवाल आया था, तो इसलिए मैंने कवर कर दिया, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो कि हम लोग एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, महावीर वीर विक्रम एयरपोर्ट। मोदी जी ने रिसेंटली एक नया टर्मिनल है जो कि यहाँ पे इनॉग्रेट किया, कुछ और प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च करें, जैसे कि मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना, प्रोजेक्ट मिशन 100 ऑफ विद्या ज्योति स्कूल, तो ये कुछ प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पे लॉन्च करे गए हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो कि आपके एयरपोर्ट के बारे में। तो एक तरीके से इसको क्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात करी जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश से बहुत पास में है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से बहुत पास में है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि इसको बिल्ड करके इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दें, ताकि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं वो इंटरनेशनली जाने के लिए कोलकाता ना जाके त्रिपुरा से जो है वो अपनी उड़ान भर सके, समझ गए। तो लोकल स्टोन के स्कल्पचर जो है वो भी यहाँ पे बनाए गए, यूनाकोटी हिल्स, लोकल बैम्बू हैंडीक्राफ्ट भी यहाँ पे बनाए गए इंटीरियर के अंदर। ओरिजिनली दोस्तों इस एयरपोर्ट को जो है ना वो यूएस एयरफोर्स के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बनाया गया था, ओके। उस टाइम पे वहां पे किंग जो थे उनका नाम था विक्रम किशोर जी, तो प्रिंसली स्टेट था उस टाइम पे, तो उनकी मदद से यूएस के द्वारा इस एयरपोर्ट को बनाया गया। पहले इसका नाम जो था वो क्या था? अगरतला एयरपोर्ट था। अभी कुछ साल पहले ही इसका नाम चेंज करा गया है, ठीक है गाइस। आगे बात करें, इनके जो फादर थे दोस्तों बीरेंद्र किशोर अगस्त, वो यहां पे राजा है जो कि हुआ करते थे, बीरेंद्र किशोर। फिर 1923 के अंदर उन्होंने सक्सीड किया, है ना। उसके बाद में इनके भी बेटे आए, महाराजा कीरत विक्रम किशोर। तब इंडिया में जब नहीं मिला था, तब तक लास्ट के दो साल तक यही राजा है जो कि हुआ करते थे, है ना। उस टाइम पे बहुत ही छोटे थे, मतलब इनके बच्चे तो जो थे कीरत विक्रम जी, तो 1949 के अंदर ये इंडिया के अंदर है जो कि त्रिपुरा आ गया था, और 47 तक वही थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जो कि त्रिपुरा के डेवलपमेंट में दोस्तों विक्रम सिंह जी ने जो है वो प्ले किया है। एक तरीके से मॉडर्न आर्किटेक्चर जो है वो त्रिपुरा का इन्हीं को ही जाता है, एंटायर प्लानिंग जो है त्रिपुरा की उन्हीं के द्वारा इनिशिएट करी गई, ओके। 39 के अंदर लैंड जो है वो लोकल ट्राइबल के लिए भी दोस्तों उन्होंने रखी थी, है ना। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने में भी उनका बहुत बड़ा रोल था। पहला एयरपोर्ट भी दोस्तों उन्हीं के द्वारा है जो कि बनाया गया था, ठीक है गाइस। आज के फन फैक्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कुछ अजीब नजर आ रहा है इस फोटो के अंदर आपको? हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, जो अजीब नजर आ रहा होगा वो इस गर्ल जो है ये, इसकी लेग्स आपको नजर आ रहे होंगे। ये यूएसए की एक लड़की है दोस्तों, 17 साल की, पूरी दुनिया में वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है इस लड़की का, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट लेग्स होने के लेकर, मतलब आप देख सकते हो 53 इंच के लॉन्ग लेग्स है जो कि आपको देखने को मिलेंगे, 6 फीट 6.10 इनकी हाइट है, और 60% जो भी इनकी बॉडी का 6.10 में से लेग्स का पार्ट है। तो ये बहुत ही अजीब फोटो देखने को मिली थी, तो मैंने आपको लिए कवर कर दिया, ठीक है गाइस। इसके अलावा गुरुकुल बैच की बात करें तो आज से दोस्तों पहला लेक्चर है जो कि लॉन्च हो रहा है, आज पहली क्लास है इसकी, 10 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं करी तो 5 तारीख कल से ये सारी क्लासेस स्टार्ट हुई है, मैथ की, रीजनिंग की, साइंस की और स्टैटिक जीके की, तो आज पहली क्लास है सारे सब्जेक्ट की, ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी सारे एजुकेटर्स की भी आपको क्लासेस मिल जाएगी, ये एसएससी के अंदर प्लस कोर्स आप ले सकते हैं, रेफरल कोड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU10 है जो कि आप लगा सकते हैं, आपको सारे लेटेस्ट ऑफर और 10% ऑफ है जो कि आपको मिल जाएगा। और आपको आइकॉनिक कोर्सेज के अंदर प्लस कोर्सेज में बहुत सारे बेनिफिट है जो कि मिलते हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा। कैसे ज्वाइन करना है? ऐप डाउनलोड करनी है, मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे गोल सेलेक्ट करना है, एसएससी है, यूपीएससी है, जो भी आपका गोल है, प्लस पे जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पे 12 या 24 मंथ पे, और BHU10 है जो कि आप यहाँ पे लगा सकते हैं, 40 प्लस एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो smellforallsociety.org की वेबसाइट पे जाके एक पिज्जा के कॉस्ट पे एक बच्चे को एक हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन दिला के उसको स्कूल भेज सकते हैं। हर मंथ उसकी अटेंडेंस, उसकी फैमिली की पूरी रिपोर्ट कार्ड, उस बच्चे की रिपोर्ट कार्ड, फोन पे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबिलिटी है जो कि उनकी होगी, 100% ट्रांसपेरेंसी, और एक वॉलंटियर भी आप बन सकते हैं अपने शहर के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला सवाल है कि स्माइल स्कीम किसके द्वारा लॉन्च करी गई। अगला सवाल है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने 25 रुपए पर
पेट्रोल और डीजल के ऊपर कम कर दिए टू व्हीलर के लिए, बीपीएल के लिए। यूएस सेंसस ब्यूरो के द्वारा दुनिया की पॉपुलेशन दोस्तों 1 जनवरी को क्या थी ये आपको बताना है। नीट 3.0 कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। और लास्ट क्वेश्चन है शेड्यूल्ड बैंक को लेकर। ओके, शेड्यूल्ड बैंक जो है वो सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड किए जाते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक रिसेंटली शेड्यूल्ड बैंक बना है। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। आज के लिए इतना ही दोस्तों, 11 बजे स्पेशल क्लास है, उसमें मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।